आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सामाजिक अंकेक्षण हुआ आयोजित। जी हां, साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार भवन में मंगलवार को जुड़ी टीम के विनोद प्रमाणिक, डीआरपी अनंत कुमार, उज्जवल कुमार, संथाल परगना प्रभारी एवं जिला कोऑर्डिनेटर शंकर दास, बीडीओ साइमन मरांडी, बीपीओ जेनी किस्कू की उपस्थिति में जूरी एवं ऑडिट टीम के द्वारा प्रखंड स्तरीय ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। और तो और, प्रखंड स्तरीय प्रधानमंत्री आवास की ऑडिट भी की गई। ऑडिट के क्रम में उद्भेदन हुआ कि वृंदावन पंचायत में मृत सफल किस्कू प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक थे, जिसकी जगह पर दिलीप किस्कू नाम के युवा को 1,15,000 रुपए का लाभ मिला, जबकि उक्त व्यक्ति का नाम एसीसी डाटा में नहीं था, पाया गया है। वहीं दूसरी तरफ कर्णपुरा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों से बिचौलियों के द्वारा 8,000 रुपए निकासी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कर्णपुरा पंचायत में ही अन्य 9 लाभुकों से 1,24,160 रुपए की निकासी बिना स्वीकृति कर दी गई। मामले के उद्भेदन के पश्चात जूरी एवं ऑडिट टीम के द्वारा बीडीओ साइमन मरांडी एवं बीपीओ को उक्त सरकारी राशि रिकवरी करने की बात कही गई। आनंद भगत के साथ तापोश गांगुली की रिपोर्ट।